आज 11 जुलाई 2023 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, पढ़ाई में तत्पर रहो, अपने आप को पढ़ाई, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में बिजी रखो। कहते हैं अंतर्मुखी बन के बाह्य मुखता को छोड़ दो। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, शरीर भी बाहर है, इसके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में सोचो, मैं आत्मा हूँ। अब फिर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में बिजी रहो और श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। और यह समय है, यह संगम युग का समय है अपनी तकदीर बनाने का। भाग्यदाता आते ही संगम के समय है, और किसी युग में तकदीर बनती नहीं, तो इस समय को प्रॉपर ध्यान रखना है। जितनी तकदीर बना सकते हो बना लो। बने कैसे? चार सब्जेक्ट और सदा श्रीमत पर चलने से। तो चलना क्या है, बेस क्या है? अंतर्मुखी समझना। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? क्या आपके पास, क्या आपके पास तकदीर बनाने का इंस्ट्रूमेंट, क्या आपके पास? उत्तर है सुदर्शन चक्रधारी बनना। यही है सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर। क्या है? सुदर्शन चक्रधारी बनना। यानी पांच स्वरूपों की जो ड्रिल करते हैं ना, द बेस्ट, इससे ज्यादा ये तकदीर बन नहीं सकती। तुम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। दुनिया के ब्राह्मणों को, लोगों को पता ही नहीं कि सुदर्शन होता क्या है। वो तो ये है स्वदर्शन, स्व का दर्शन करना, मैं परम धाम में था, फिर मैं सत्यु में आया, और वो स्वदर्शन ना कह करके सुदर्शन कहते हैं कि अच्छे अच्छे देखो। और तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। पता है भाई, हम घर जाएंगे इतना भरपूर होके, सत्यु में आएंगे, फिर देवता में आएंगे, फिर द्वापर में आएंगे, फिर कलयुग में आएंगे, फिर से ब्राह्मण बनेंगे, फिर सत्यु में जाएंगे। इसे हम दुनिया की तकदीर को जान सकते, कौन ब्राह्मण जो बनने वाले हैं, जो देवता बनने वाले हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों की तकदीर बनाने। किसने किसने? हीरे समान बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। तो स्मृति में रहे, अपनी अवेयरनेस में, देखो क्या क्या रहता है, अपनी अवेयरनेस में रहे। स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहे कि पास मेरे बाप टीचर बन के पढ़ा रहे, तो तकदीर बनती रहेगी। यानी मुरली क्या है, आपको तकदीर बनाने का तरीका, गीत चला आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुमको, क्योंकि तुम दुनिया की तस्वीर हो। ओ शांति। बच्चों ने गीत के दो शब्द सुने, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए, और यही है अविनाशी नशा। टेम्परेरी टेम्परेरी करके तो चुप लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा देखा, वो पहना हो, टेम्परेरी टेम्परेरी करके देखी कर ले। अब अविनाशी चाहिए, परमानेंट चाहिए। यही है अविनाशी नशा। ये अविनाशी नशा उतरना नहीं चाहिए। अब दुनिया
दुनिया में कोई मनुष्य साहूकार पद्मपति होते हैं, मल्टी मल्टी बिलियनर होते हैं, तो उनको रात में नशा रहता ही है कि हम बड़े धनवान, हम बड़े जागीरवान हैं। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला, और अभी तो तकदीरें फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है। ये तुम अपनी अपनी जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ के तकदीर बनाते हैं, जो तुम देखते ही हो, जो तुम जानते ही हो कि परम पिता परमात्मा को देखते हो और जानते हो। बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है, पर आत्मा को देखते नहीं है, परंतु तो निश्चय है ना कि हम आत्मा है। स्टार मिसल है, भृगुटी के बीच में रहते हैं। तो इस समय तुम बच्चों को बनना है आत्म अभिमानी। खेल सिर्फ है बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना। इस देह में रहने वाले को कहा जाता है आत्मा, है ना। इस देह में रहने वाले को आत्मा यानी देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है, आत्मा को अभिमान कहा है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। यह शुभ अभिमान। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते ही हैं, बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते ही हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। जैसे कोई कोई के हैं, कोई कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब यानी नौकरी सैलरी कम मिलती है, तो समझते हैं हमारी तकदीर में यही था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में तो कितने महल माड़ियां हैं, कितने ताज और तखत हैं, है ना। मनुष्यों के तकदीर की वैरायटी है ना, यानी जो उसके पास जो कुछ है। आज दुख का मेन कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख सिर्फ ये है कि उसके पास इतना सारा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। दुख का कारण क्या है? इसको दूर दृष्टि की खराब है ना, दूसरों को देखने की आंख खराब है ना, वो हमेशा दुखी रहे। तो दूसरों को नहीं देखो, अपने को देखो तो हमेशा सुखी रहोगे। फिर थोड़ा भी है उसमें भी सुखी होंगे। आज अरबों रुपये अरबोंपति हो, दूसरों को देखो तब भी दुखी है। तो बाबा ने कहा क्या देखते हैं वो, दूसरों के पास तो बड़ा कुछ है, हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, तो दुखी रहेंगे। अब तुम छोड़ो बड़े इस बात को, और अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किसकी किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं, एफर्ट तो करते ही, मेहनत तो करते ही हैं, क्योंकि धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टर्स की दवाई खाते हैं। अभी लेवनदाई होटल में जाएगा, गरीब आदमी उधर जाएगा। समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी, तो है सारी बात धन की बात है ना, ये तो पैसों का ही है ना। और तुम तो हो बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्री मत से। सबसे बढ़ गया है श्री मत से, बाबा के मूल्य से मेरे तकदीर बनाते, अपने जीवन को चलाते हैं, दिनचर्या बनाते हैं। तो बच्चे ही जानते हैं बाबा है ऊंचे पे ऊंच तकदीर बनाने वाला, और बनाते हैं।
क्योंकि खुद है ऊंचे ऊंच। तो अब तुम उन्हीं के सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे। मतलब क्या है मेरा माँ बाप का घर? कोई राजा रानी है तो समझते हैं ना, हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं तभी तो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर पिछले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको ये बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में ये आता ही। इतने धनवान दुनिया में देखो मनुष्य हैं, उनको ये तकदीर कैसे मिली? कहेंगे क्या कैसे मिली? लोग होते हैं मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो धन मिलेगा। नहीं, कहेंगे पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं तभी तो इतना धनवान बने हैं। मान लो अभी मेहनत से मिला है ना, पिछला सारा खेल पिछले जन्म का है, पास्ट का है। एक बच्चा अपाहिज है, गरीब के घर पैदा होता है, उसने बच्चे ने क्या कर लिया? पिछले साल का भी है, फिर काटा बिल्ला कर पैदा हो गया पिछले जन्म के साथ का। यानी पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं या इतना गरीब बने हैं। खेल क्या है? कर्मों का फल है ना। गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है, बिल्कुल यूनिक है। और मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। तो अभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। कंपेरिजन किससे मारा? लक्ष्मी नारायण से। ये जो सत्यों के मालिक बने उन्हों को ऐसी कर्म गति कर्म फिलॉसफी किसने बनाई? ऐसे कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तो तुम सारे चक्र को जान चुके हो, बनाने वाला कौन और बनने वाला सबसे पहले कौन। तो तुम ब्राह्म कैसे बन जान गया? तुम ब्राह्मण अभी बने हुए हो, सुदर्शन चक्रधारी। दूसरे ब्राह्मण तो सुदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। है वो भी ब्राह्मण हो तुम भी ब्राह्मण, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, यानी ब्रह्मा की मुख वंशावली। जरूर ब्रह्मा भी किसी का बच्चा होगा। वो किसका बच्चा? वो है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो है रचयिता क्रिएटर, उसका कोई बाप नहीं। एक ही क्रिएटर है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर कौन बनाता है? बनाती है परमपिता परमात्मा बनाते हैं। यानी बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। जैसे नहीं बनती ना, काका चाचा में ना माँ बाप के रिश्तेदार वाले, ना बाप के रिश्तेदार वाले चाचा वगैरह मामा वगैरह, ये कोई नहीं कुछ दीदी बना सकता। काका कहते हैं सिंधी में बड़े भाई को, ना बड़े भाई बहन बना सकते हैं, ना माँ के रिश्तेदार, ना भाई के बाप के रिश्तेदार बना सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी बन सकती है अगर वो एडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया ही है, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। उनसे ऊंचा कोई है कि बाबू जी चाहते जिसने आपको एडॉप्ट किया, जो उसका बच्चा बनाया? तो अब प्रजापिता ब्रह्मा को कितने बच्चे हैं, कितने हैं, कितने बिके हैं? ढेरों के ढेर। उनको बाप से क्या गुस्सा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है
सभी जीव आत्माओं का, परमात्मा कौन है, सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा कौन है, मनुष्य सृष्टि का बाप। और तुम इसमें, जब ब्रह्मा हमारा बाप बन गया तो क्या बन गया हम आपस में, तो तुम इसमें बन जाओ, क्या बन जाते हो, भाई बहन हो जाते हो। अब बाप तो तुम बच्चों को ही कहते हो, कहते हैं, देखा देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूं। बरोबर शत्रु आदि में श्री लक्ष्मी नारायण वह इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी, पहले लक्ष्मी रानी से पूरी डायनेस्टी थी, राजधानी थी, कितनी उन्होंने ऊंच तकदीर बनाई है। मंदिर से सारे हैं, प्रूफ है ना, यादगार प्रूफ है ना सारे, ये तुम बच्चों की बुद्धि में राज है, शिव बाबा ने ही उन्होंने तकदीर ऊंच बनाई थी, वो तकदीर भोग 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर वो ही तकदीर बना रहे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी ये बातें समझा ही ना सके, ऐसा बाप कितना लवली है। और कहते हैं तुम भी लकी बच्चे हो, तुमको मैं फरमान करता हूँ, बाबा का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, फरमान ऑर्डर, ऑर्डर क्या है कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, तभी तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। और तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है, तो बाबा ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार, मेरा नाम शिव ही है, शिव माना कल्याणकारी, शनि का नाम नहीं, आत्मा का नाम है कल्याणकारी, मेरा नाम शिव ही है, मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता, अभी मैं आया हुआ हूं। और तुम जानते हो कौन बात कर रहा है, कौन जानते हो तुम, कौन बात कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो निराकार परम पिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर, और वो ही तकदीर बनाने वाला है, इस ज्ञान से हम अपनी तकदीर बनाते हैं। फिर हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना, और तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा के तन में सम्मुख हमारे साथ बात कर रहे हैं, कहते हैं लाडले बच्चे, क्या कहते हैं बाबा, दुनिया में ऐसा बाप है कोई जो कोई लाडले बच्चे, पंजाब में तो किसी बाप को बच्चे से बहुत प्यार है, क्या कहेगा, आवी खोते दे पुत्रा की आल है ना, तो बाबा क्या कहते हैं हमारे को, लाडले बच्चे, अभी तो ड्रामा सुनती, आत्मा है जानती, आत्मा ही है, ये यथार्थ बात है। और बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको दी, तुमको ही दी है, अब कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई फिर एक ज्ञान को ही भूल जाते हैं, अभी तुम बैठे हो, तुमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं, और उसको ज्ञान अमृत कहो या ज्ञान वर्षा कहो या ज्ञान पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सम्मुख शिव बाबा बैठा है। और वो फर्क क्या शिव बाबा, हम आत्मा परमात्मा में, हम आत्माओं ने अपना शरीर लिया, वो जन्म मरण में नहीं आता, तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म होता है ना, उसमें क्या होता है, हर जन्म में नाम
रूप देश काल बदलता जाता है। हर जन्म में हमारा स्थान बदलेगा, नाम बदलेगा, रूप बदलेगा। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं, एक जन्म में ये शरीर मिला है, अगले जन्म में मिलेगा, पूरे 84 में शक्ल अकल सब अलग होते हैं। इस समय जो तुम्हारा रूप है, शरीर है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा, और एक का शरीर, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, शक्ल नहीं मिलती, अकल नहीं मिलती। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो उनकी एक्टिविटीज, उनके ख्यालात आदि सभी बदल जाते हैं। तो आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पाठ बजाना पड़ता है, भिन्न भिन्न नाम, हर जन्म में नाम बदल गया, रूप बदल गया, देश बदल गया, समय बदल गया, काल बदल गया, यानी एक्टिविटी से पाठ बजाती है, एक्टिविटी भी बदलती रहती है, एक्टिविटी बदलती है, कभी राजा की, कभी रंग की। ऐसे नहीं कि कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यानी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसे पुरुषार्थ कर रहे थे, फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जब साकार में थे ब्रह्मा बाबा मामा, उसमें बाबा ने जुड़े लगे दोस्त, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम ऐसे, हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, उतना बहुत सुख मिलेगा। इतनी जबरदस्त कमाई है, वो तो करके, दुनिया में तो करके अल्पा सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनेंगे, दूसरे जन्म की तो बात ही नहीं। सो भी पढ़ाई से बने कि ना बने, ये भी हो सकता है। और तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। ये कभी भूलना नहीं कि बाप से हम स्वर्ग के तौसी तखत का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, है ना? ऐसा तखत जो आलिशान बनाता है, ऐसा तखत लेके ही छोड़ेंगे, विश्व महाराज का तखत लेके ही छोड़ेंगे। ऊंचते ऊंच, यदि कहने के भाव, हम ऊंचते ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे, क्योंकि गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो भी तो बुद्धि में आता ही है, पुराने वाला कौन। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध, भगवान पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, इसमें मेहनत कर लो, दुनिया में मेहनत छोड़ दो, उसकी गारंटी नहीं है, ये मेहनत करो और 21 जन्मों की गारंटी दो, एक ये जन्म गारंटी और अगले 20 दिन। यानी इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ माना पुरुष मैंने आत्मा, आत्मा समझ के अपने को चेक एंड चेंज करेंगे, उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे, वो तकदीर कल कल कायम रहेगी, हर साइकिल में जो भी बल्कि तकदीर, हर साइकिल में वही तकदीर कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर बनाने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है, खुशी खुशी मिलेगी, अभी मेहनत कर लोगे तो। बच्चे कहते हैं ना, बच्चे अभी मेहनत करो, सारी उम्र ऐश करोगे, अपने को बच्चा समझे बताऊ, तो आप मुझे कह रहे हैं बच्चे भी मेहनत कर लो। बल यहाँ कोई के पास करोड़ों हैं, परंतु पाई का भी सुख है नहीं, वहां तो बिल्कुल शांति से आराम से प्रारब्ध भोगेंगे।
यहाँ तो इतनी आफतें आती रहती हैं और थोड़े टाइम में बहुत दिवाड़ा निकालेंगे और मरते जाएंगे। अरे बाबा कौन कर रहे हैं, अगर तुम्हें बहुत पैसा कमा दिया तो दिवाड़ा भी हो जाएगा, है ना। मैंने बड़ी अच्छी से बड़ी अच्छे जगह शेयर बना लिया, मरेंगे। भल इंश्योरेंस करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी उस समय क्या कर सकेगी। अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया, हिरोशिमा नागासाकी, क्या हाल हुआ, एक बम गिरा अभी तक आगे बन जा रहा है। कितने आदमी मरे, इंश्योरेंस कंपनी ने भी जुआड़ा फेंक दिया, मगर जुआड़ा मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, आपसे तो इंश्योरेंस करूंगा इसलिए मिलना, सब खत्म हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी वाले खत्म हो जाएंगे, इंश्योरेंस वाले पैसा किसको देंगे, कौन एक दूसरे का दीवा जलाएंगे। दीवा जलाते जी को पड़ता है, कौन जलाएगा दीवा। अब मनुष्यों में अंधविश्वास ही कितने, भक्ति मार्ग में क्या है, सिर्फ ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास ही है। बड़े आदमी का शो करते हैं, वीआईपी है तो उनका तो कितना शो ऑफ करेंगे। अब ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं, है ना। ऐसे सब होगा ना, वो भी उनको माना जाता, क्यों ऋषि मुनि क्यों मानते हैं, पर रिलीजन को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे, साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे और साधु उनके आगे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र, ये बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, इंसान नमस्ते करते हैं या भगवान का जन्म नमस्ते करते हैं। क्यों, बाबा ने कहा अरे तुम तो हमारे सिर के मोर हो, सिरताज हो, तुम तो विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। ऐसी बातें सिवाय बाप के तुम समझा ही ना सके। तो ऐसे बाप को इतना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है, विश्व का मालिक बनाने वाला जो आपको है, सब कुछ देने वाला जो है, दाता एक भिखारी सारी दुनिया, दाता को छोड़ के एक भिखारी दूसरे भिखारों के बीच जाएगा, क्या देगा भिखारी किसी को। तो बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, गए फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते, अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। तो बाबा को बोला प्यारी, बाबा को रात को बाल रहते हैं, बाबा ने बुढ़ी पढ़ी नहीं पढ़ी, क्या किया, अकेला किया नहीं किया, आज नहीं कितनों की सेवा की, बाबा को समझ लिखते नहीं, कितना बुरा लगेगा किसको, प्राण देने वाला, प्राणेश्वर कहते हैं ना जो प्राण देने वाला है, स्त्री पुरुष को एक दूसरे को चिट्ठी लिखते, कहीं भी जाएंगे मोबाइल करते हाँ जी पहुंच गए ठीक ठाक, है ना। तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना, प्राण देने वाला ईश्वर फलाना, वास्तव में वो भी प्राणेश्वर तो है ही नहीं, वो प्राण देने वाला नहीं है, आत्मा को जन्म देने वाला नहीं है, प्राणेश्वर तो एक ही बाप है, सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक ही। वो कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। कितनी दूर लोगों ने बात की, बाबा कौन है प्राण देने वाला और बच्चे कौन है दूसरों के प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। हम बच्चे दूसरों के प्राण बचाने वाले, अरे आत्मा हो तुम ये समझाने वाले, पर वो है प्राण देने वाला। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा, यहां से ही ये नाम निकला हुआ है, भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर
प्रामेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं, परंतु है नहीं, प्राणों का दान तो बाप ही देते, आत्मा तो नहीं भेजेंगे। आत्मा चिड़ी को लेके क्या करोगे, चिड़ी के माँ बाप रिश्तेदार क्या करेंगे, प्राण देने वाले तो एक ही है ना, उसको भूल जाते हैं। और वो प्राण देने वाले कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकता। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा ही फील करती है, तो बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है आत्मा, उन्हीं की महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं, जो बहुतों की मम्मा को याद करते हैं, जो बहुतों की अच्छी सेवा करते हैं उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता ही है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, पहले तो खुद दिल से करो यार, किसी सेवा आगे आगे बढ़ाओ, फिर चलो तो ब्रह्मा बाबा ने किया तो मैं भी करता हूँ, सेकंड नंबर आगे। कहने का भाव तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है हम फिर औरों को बनाए। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, क्या प्रॉपर्टी मिलता क्या है, स्वर्ग की राजधानी, वहां भी इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरों के महल बनाएंगे। फिर एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं, माया चंद्र का वो सोया हुआ था, वो सपना है, वो भूल के सपना देख रहा है, जो तो प्रैक्टिकल में था, क्या देखा उसने, उसने देखा स्वर्ग में चला गया, उसको स्वर्ग में चला गया, उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाए, इतनी सारा ढेर पड़ा है थोड़ी ले जाए, है ना। जब उसका जब लेके आ रहा था आंख खुल गई उसकी, थोड़ी क्या, तो तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे ज्वारों के महल देखते हो, साक्षात जाते हैं, साक्षात दिखाता है, सपना नहीं है कोई, साक्षात दिखाता है, मतलब कैसे तुम्हारे महल होंगे। सोना वैकुंठ में रहता ही है, और तुम जानते हो वहां खानियों से माइन से हम विमानों में जाकर सोना भरते लेंगे, आगे में डालेंगे माइन में जाएंगे सोना भरेंगे और अपने घर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती है, अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा ही है ना, भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना ही है, सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई, बड़े बड़े जल रहे उन्होंने अपनी गुफाएं बनाई हुई है, जहां कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके, फायर प्रूफ बढ़ाऊ सोना रखा हुआ, तो वो सब चल जाएगा ही, वही सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाए, प्राण नहीं आएगा, बिल्कुल आग लगेगी सबको, तो बिल्कुल प्योर घर से होगा, तो माइंड में खाना में लग जाएगा, वहां से माता पे आएगा प्योर से, अच्छा स्वर्ग का सीन बना रहे। जिन एरोप्लेन्स आदि द्वारा अभी बॉम्ब्स आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएगी। आज श्लोक देते हैं हमारा स्वर्ग तो यही पर है, हमारे पास सब कुछ ये नहीं पता कि स्वर्ग की तैयारियां चल रही हैं, इस समय की तैयारियां नहीं है, तो क्रॉस तो कलयुग को करना है ना, इस सत्य की तैयारी सारी है, अभी साइंस के साधन है विनाश करने के लिए, ये भी बात सुन देने के लिए, सत्यु में ये सब थी, फिर पराया लोग हो गए, अब फिर बन रही है, अब फिर बनी है, और तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं, खानियां सब नई हो जाती है, पुराना कुछ नहीं होगा, सब नई होगी, नई माइंड अभी तो पुरानी है, तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए।
इसमें गफलत नहीं करनी, कोई केयरलेसनेस नहीं करनी। भाग करना क्या है, करना क्या है, बार बार वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र कराते रहो, पांच स्वरूपों का याद करते रहो, बस इतने करना है। और बाप कहते हैं एक में मोह लगा, मोह आता है उसमें अटैचमेंट है, उससे रखो और स्वर्ग को याद करो। मनमना भव मध्य जी भव, यही याद करना आपने। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। उदाहरणा के लिए मुख्य सार है, ध्यान से सुनेंगे मुख्य मंत्र। अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी, क्या करना है फिर, श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। पढ़ेंगे तकदीर, पढ़ लिख के पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे लोग, पढ़ाई की हमारी ज्ञान योग उपासना से। दूसरा, प्राणेश्वर प्राण देने वाला ईश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना, आत्माओं की ज्योति जो हमें आपका काम यह है, सबके प्राण बचाने हैं, यानी किसी को भी दुखी नहीं करना है। कैसे हो सकता है ये, वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले, प्रकृति जीत भव, कौन है आजम, प्रकृति जीत, प्रकृति से कहते हैं ये पांच तत्वों, पांच तत्वों की प्रकृति से बाद की बात है, पहले ये प्रकृति जो पांच तत्वों का शरीर बना है, इस शरीर को जीतो, कर्म इंद्रिय को जीतो, कौन है आज, प्रकृति जीत, क्या करेगी प्रकृति जीत, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनाया गया, जो प्रकृति आज शरीर आपको दुख दर्द दे रहे हैं ना, ये आपकी हेल्प करने से जाएगी, कैसे, जब आप मालिक करके स्थिति में रहेंगे, सिर्फ एक थॉट, मैं शरीर नहीं इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ, ये मेरी प्रजा है, मैं मालिक हूँ, सिर्फ मालिकपन की स्टेज बनानी है, स्टेज में रहोगे, स्टेज में सम्मान में रहोगे तो क्या होगा, ये प्रकृति पांच तत्व शरीर आपको सहयोग देगा, हेल्प करेगा आपकी, है ना, हेल्प करेगा, तो क्या बन जाएंगे हम, प्रकृति जी, याद रखना कौन है हम सारे, प्रकृति जी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दर्द होगी, मैं तो प्रकृति जी, प्रकृति चौमान में रहो, मैं तो प्रकृति जी, मुझे प्रकृति को जीतना है, कैसे जीतेंगे, तो सोमान में मैं हूं नहीं, आई एम दिस। बाबा ने कहा प्रकृति आप मालिकों का, जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, जो राज करने वाले प्रकृति के पांच तत्व, तो प्रकृति आप मालिकों का अभी से आह्वान कर रही है, चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, बाढ़ भूकंप आग लगेगी, लेकिन बाबा के बच्चे जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी, सिर्फ सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी, कैसे, जहां देखो कितना जबर टाइम आने वाला है, तो वैसे तो जाहिर बाबा ने बारिश कितना कर दी, जोर दाम कर दिया, अब देखो क्या होगा, जहां आप प्रकृति जीत, ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, जहां पर आप रह रहे होंगे वहां कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता, तूफान आएगा, भूचाल आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूर्य होगा और यहाँ कांटा, बाहर तो सारा क्रूसीफाई हो जाएगा, सारा प्यास नष्ट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ ठीक नजर चलो क्रैक आ जाएगा, सभी आपके तरफ स्थूल
या सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागे। तब धीरे धीरे सारा खत्म हो गया, ये वैसे ही वैसा है बाबा, अगर वैसे ही वैसा है ये ऐसे ही है, सब आपके स्थूल में भागेंगे हेल्प लेने के लिए और सूक्ष्म में भी आपके भागेंगे। ऐसा समय आने वाला है, बाबा जी पहले अवगत करा रहे हैं। करना क्या है सुनो, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। मैं आत्मा हूं परम धाम में, जितना स्थिति में रहोगे तो अलौकिक खुशी भी मिलेगी, बाबा से खुशी मिलेगी, आध्यात्मिक खुशी मिलेगी और मन भी, मन भी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मन में भी खुशियां की लहर करेंगे, विचार भी बड़े अच्छे दिखेंगे। उसका अनुभव करना क्या है मन मना भव, जिसे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा के पास में करो। ओम शांति।